नमस्ते, आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज हम कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम करेंगे जो कि बहुत सरल हैं और सबके लिए सूटेबल हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं, पर ये सीक्वेंस स्पेशली उस दिन के लिए है जब आपको नर्वसनेस या एंजाइटी हो रही है। तो आइए हम इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर घुटनों के बल आएं, घुटनों को मुड़ा हुआ ही रखें, पैर को पीछे की ओर पॉइंट करते हुए अपने दोनों हाथों को मैट के एक एक कॉर्नर पर रखें, आगे की ओर झुकें। मेल्टिंग हार्ट पोज में आपका जो फोरहेड है वो मैट को टच करेगा और बैक स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगी। आपका पूरा वेट आपके घुटनों, पैर के ऊपरी भाग और हाथों पर होगा। यहाँ पर बने रहें और 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें। पूरी तरह रिलैक्स करें। अब धीरे से उठें, हाथों के बल और पीठ के बल मैट पर लेट जाएं। यहाँ से हम सेतुबंद आसन और ब्रिज पोज करेंगे। फिर से अपने घुटनों को मोड़ें, पैरों को मैट पर जमाए रखें, हाथों को सीधा रखें। मैट पे दबाते हुए अपने हाथों को अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाएं। यहाँ पर बने रहें। वापस नीचे आएं मैट पे। फिर से सेतुबंद आसन में अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाते हुए हाथों को नीचे दबाएंगे। वापस मैट पे एक बार और। इस बार आप चाहें तो अपने हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं अपने पीठ के नीचे। हमारा पूरा वेट पैरों पर और हमारे हाथों पर होगा सेतुबंद आसन में। अब अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, हाथों को मैट पर, अपनी दाएं टांग को ऊपर उठाएं कि वो 90 डिग्री आपकी बॉडी के साथ बनाए। ऐसा हम करीब 5 से 7 बार करेंगे। अपनी गति से अपने दाएं टांग को ऊपर उठाएं और वापस नीचे लाएं। अब दूसरी टांग से 5 बार, दाएं टांग को मैट पर रखते हुए बाएं टांग को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पोजीशन में लाते हुए। अब अपनी दोनों टांगों को मोड़ें और पवन मुक्त आसन में आ जाएं। अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ें और अपनी ओर खींचें। यहाँ से हम आनंद बालासन में आएंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ें और अपने पैरों को अपनी तरफ खींचें। आपके एल्बोज आपके नीज पर रेस्ट करेंगे। आप अपने पैरों को बाहर की तरफ से भी पकड़ सकते हैं। वापस पवन मुक्त आसन में आएं और अपने घुटने के नीचे से अपनी टांगों को पकड़ें। आगे और पीछे रोल करते हुए ऊपर की ओर उठें और अपने मैट पर बैठ जाएं। यहाँ से हम तितली आसन करेंगे। अपने पैरों को जोड़ें और अपनी ओर खींचें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, आंखों को बंद करें और यहाँ पे 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें। अब बटरफ्लाई पोज में ही रहते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं एक स्पाइनल ट्विस्ट में। जितना पीछे की तरफ मुड़ सकें उतना आप मुड़ें। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते हुए बायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पीछे की ओर ट्विस्ट करें। आसन के असर को महसूस करने के लिए आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। ये सब सरल आसन हैं। वापस बीच में आ जाएं। फिर से तितली आसन में अपने पैरों को पकड़ें, कमर को सीधा करें। 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आपके आसपास जो शांति है उसे महसूस करें और खुद को ये सुझाव दें कि ये शांति आपके अंदर भी पैदा हो रही है। जो हमारी रेस्टलेसनेस और एंजाइटी है वो धीरे धीरे जा रही है। अब अपने घुटनों को वापस जोड़ें अपने घुटनों के बल आएं और पेट के बल लेट जाएं। आपके पैर बाहर की ओर पॉइंट करते हुए भुजंग आसन में आएं। अपने हाथों को मैट पर दबाते हुए अपने कंधों को और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। वापस नीचे आएं। अब शलभ आसन में अपने हाथों को जोड़ें पीछे की ओर और वापस अपनी छाती को इतना ऊपर उठाएं कि आपका चिन मैट के पैरेलल आ जाए। वापस नीचे आएं। अब घुटनों के बल ऊपर उठें। हम यहाँ से मर्जरी आसन और बितलासन करेंगे। अपने हाथों और घुटनों के बल आते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर आर्च करें। ऊपर देखें, सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को छाती पर लगाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। यहाँ से मर्जरी आसन और बितल आसन हम 4 से 5 बार करेंगे। अपनी गति से ऊपर देखें, सांस लें, कमर को नीचे की ओर लाएं, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर की ओर और चिन को चेस्ट से टच कराएं। अब उठकर मल आसन में बैठ जाएं। अपने पैरों के ऊपर घुटनों के बीच में गैप लाते हुए अपने हाथों को जोड़ें, आंखें बंद रखें और आपका चिन बिल्कुल पैरेलल रहे मैट के। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें 3 से 4 बार। वापस अपने मैट पर बैठें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। हम पश्चिमोत्तन आसन करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ें। या फिर पैरों के बड़े अंगूठे को पकड़ें और आगे की ओर झुकें जितना हो सके। अपने पैरों को छोड़ें और मैट के लंबे छोर की ओर मुंह करें। यहाँ से हम गोमुखासन करेंगे, तो अपने बाएं घुटने को दाएं घुटने पर रखें। पैर आपके हिप्स के पास होंगे। अपने बाएं हाथ को मैट पर रखते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं साइड स्ट्रेच में। अब यहाँ से अपने हाथों को ईगल आर्म्स में ले आएं। 2 बार इंटरलॉक करें, अपने आर्म्स को अपने मुंह के सामने लाएं। अब अपने घुटनों को इंटरचेंज करें। अपने दाएं घुटने को बाएं के ऊपर रखते हुए दायां हाथ मैट पर रखें और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सामने की ओर देखें और स्ट्रेच महसूस करें अपने पूरे दाईं तरफ। यहाँ से ईगल आर्म्स फिर से डबल इंटरलॉक करें, अपने हाथों को अपने मुंह के सामने लाएं। हाथों को छोड़ें, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठें। यहाँ से हम कुछ प्राणायाम करेंगे या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस को रिलीज़ करने के लिए। सबसे पहले हम फुल यौगिक ब्रीदिंग करेंगे, तो अपना एक हाथ पेट पर रखें, एक छाती पर। सुखासन में बैठे रहें, कमर को सीधा रखें। गहरी लंबी सांस लें, इतना कि आपका पेट फूले और छाती भी फूले, और सांस छोड़ें, पूरी हवा को निकालें छाती से और पेट से। 3 से 4 बार और अपनी गति से गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। अब यहाँ से हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम करेंगे, तो अपने बाएं हाथ को घुटने पर रखें और अपने दाएं हाथ को नासिका मुद्रा में लाएं। आपका अंगूठा, छोटी उंगली और रिंग फिंगर ओपन रहेगी। अपनी दाईं हथेली को दाएं अंगूठे से बंद करें। बाईं से गहरी लंबी सांस लें। अब बाईं को बंद करें और दाईं से छोड़ें। फिर दाईं हथेली से ही वापस सांस लें, उसे बंद करें और बाईं से छोड़ें। तो ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 5 से 6 बार करें। अब यहाँ से हम आखिरी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी। अपने दोनों कानों को अपने इंडेक्स फिंगर से बंद करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते हुए एक हमिंग बी की साउंड निकालें, जैसे कि एक मधुमक्खी आवाज़ निकालती है वैसी आवाज़ हम अपने कंठ से निकालेंगे। सो गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए एक बार और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक आखिरी बार खुद से भ्रामरी का प्रयास करें। अब अपने मैट के छोटे छोर की तरफ फेस करते हुए बाल आसन में आएं और अपनी एड़ियों पर बैठें, आगे की ओर झुकें। आपका माथा मैट को टच करेगा। हाथों को बिल्कुल अपने पैरों के साइड पर रखें और बाल आसन में बने रहें। जो भी हमने प्राणायाम और आसन किए हैं उनका असर महसूस करें। अब महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपको शीतलता का अनुभव दे रही है। आप पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसा सुझाव खुद से अपने आप को 3 से 4 बार दें कि आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड हैं। जब आपका मन करे या जब आपको ठीक लगे आप उठकर बैठ जाएं। आज का अभ्यास इतना ही था। अपना फीडबैक कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखें। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नए प्रैक्टिस के साथ। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो। धन्यवाद।